अल्लाह जी दिस इज़ महरोज लती फ़्राम डी डी टैलेंट्स बैक अगेन विद न्यू वीडियो आज हम चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल साइंसिस के लिए हाउ टू तो अप्लाई की एक वीडियो लेके आए हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं हमारे हिसाब से सबसे पहले उसका एक एडमिशन जब ओपन हो चुके हुए हैं तो उसका पोस्टर है कि किस किस प्रोग्राम के अंदर एडमिशन ओपन हुए हैं और एडमिशन का शेड्यूल क्या है वन से सेवनटीन तक अप्लाई करने की डेट है एंड एटीन और नाइनटीन को वहाँ पे एंट्री टेस्ट होगा एंड फर्स्ट मेरिट लिस्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन ट्वेंटी ऑफ सेप्टेम्बर और अलेवन अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी वेटनरी साइंसिस बायो साइंस और एनिमल प्रोडक्शन और एजुकेशन और एक्सटेंशन वाले डिपार्टमेंट्स के अंदर जो हैं एडमिशन ओपन हो चुके हुए हैं और इसके हम हाउ टू तो अप्लाई की वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जी आपने उनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है वहाँ पर पॉपअप बैनर पर एडमिशन फॉल को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप एक एडमिशन के पोर्टल पे चले जाएंगे वहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को आपने क्लिक करना है और अप्लाई ऑनलाइन पे जाना है अब आप फर्स्ट यूज़र हैं तो साइनअप करेंगे तो साइनअप करते साथ ही आपके पास जो जन्फॉमेशन वो मांगी जाएगी कि आपने सी एन आई सी योर नेम योर फादर नेम एंड योर यूनिक ई मेल एड्रेस आपने वो सारी चीज़ें इंटर करते हुए जाना है और साथ आपने अपना यूनिक पासवर्ड रखना है ताकि आप अपना अकाउंट जो है वो सिक्योर कर सकें उसके बाद जैसे ही आप अपनी चीज़ें यहाँ पे एंटर कर देंगे तो आपने साइन अप ऑप्शन दबाएंगे तो आपका पोर्टल जो है वो एक्टिव हो जाएगा जैसे ही आपका पोर्टल एक्टिव होगा तो वहाँ पे आपने इन्फॉमेसन अकॉर्डिंग टू डिमांड अपलोड करना शुरू कर देनी है आप जैसे ही अप्लाई करेंगे क्लिक हीयर टू अप्लाई ऑनलाइन तो आपके पास जो इंफॉर्मेशन वो मांगेगा सबसे पहले उसमें पिक्चर है आपने वहाँ पर पिक्चर अपलोड करनी है और जैसे ही आप पिक्चर अपलोड करेंगे तो वह आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी पिक्चर के आपके सामने ये जो पिक्चर है वो अपलोड हो चुकी हुई है यह मैं दोबारा आपको अपलोड करके दिखा देता हूँ पहली दफ़ा अपलोड हुई नहीं जैसे ही अपलोड की मैंने तो ये मेरे पास ये पिक्चर जो है अपलोड हो गई अब जैसे ही अपलोड हुई है उसके बाद आपने अपना सी एन आई सी नंबर एंटर करना है फादर का सी एन आई सी नंबर एंटर करना है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर योर एमरजेंसी एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि इसकी बेस पे जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो डिसाइड हो रहा है उसके बाद आपने अपना एड्रेस इंटर करना है और एड्रेस के साथ ही परमानेंट एड्रेस है वो भी आपने वहाँ पर लाजमन एंटर करना है और अगर आपका सेम परमानेंट एंड टम्प्रेरी एड्रेस है जस्ट पॉप अप द टिक और जैसे आप टिक करेंगे तो सेम एड्रेस जो है सामने आ जाएगा मूविंग टू द नेक्स्ट आपने फर्स्ट ईयर और मैट्रिक के मार्क्स एंटर करने हैं सबसे पहले आप मैट्रिक्स के मार्क्स जब मैट्रिक के मार्क्स आप इंटर करेंगे तो आपकी मैट्रिक तो ऑलरेडी क्लियर होगी तो आप मैट्रिक के मार्क वहाँ पर एंटर कर देंगे उसके बाद जैसे ही आपने अब कन्फ्यूजन यहाँ पर क्रिएट होगी इंटर का हमारा रिजल्ट नहीं आया तो आपने अपना सिर्फ रोल नंबर और पासिंग मार्क्स एंटर करने हैं और जैसे ही पासिंग मार्क्स और रोल नंबर एंटर करना है अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो आपने उसको सेव कर देना है बिकॉज मेरिट जो है वो फिफ्टी फिफ्टी द टेस्ट और मैट्रिक के मार्क्स की बेस पे बनेगा आपने वो एंटर कर दिया एंड मूविंग टू द नेक्स्ट आपने यहाँ से किन प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई करना है जैसे मैं डी के अंदर अप्लाई करूँगा तो ओपन मेरिट में मैंने करना है तो मैंने क्लोज कर दिया अब सेव करूँगा उसको तो ये मेरे पास आपने एंट्री टेस्ट के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा तो आप जैसे ही करेंगे आपका प्रोग्राम अप्लाई हो गया अब आपने यहाँ से चलान प्रिंट करना है चलान को आप प्रिंट करके आप किसी भी एच बी की ब्रांच में ऑनलाइन ब्रांच में आप सबमिट करवाएं और सबमिट करवाने के बाद उसकी कुछ एक कॉपी जो है आप स्कैन करके अपने पास रख लें उसके बाद जो जो चीज़ें जैसे कि वो मांग रहे हैं सी की फ्रंट कॉपी सी की बैक साइड और मेट्रिकुलेशन की डिग्री और इंटरमीडिएट की डिग्री अब इंटर का रिज़ल्ट जिनका नहीं आया वो यहाँ पर ज़्यादातर कोशिश करें कि डिग्री अपलोड करें अगर नहीं आया रिज़ल्ट तो अपनी रोल नंबर स्लिप अपलोड कर दें अगर ज़रूरी है अगर नहीं जरूरी तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं उसके बाद पेड चलान फॉर्म आपने आखिर पे इंटर करना है उसके जो भी रिसिप्ट या चलान फॉर्म आपको बैंक देगा उसकी अपलोड आपने कॉपी करनी है उसके बाद यहाँ पे आपने चलान फॉर्म की इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है कि चलान फॉर्म अगर आपने ऑनलाइन पे किया तो वहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी होती है वो एंटर करेंगे अगर चलान के थ्रू किया तो जस्ट पुट योर डेट एंड एंटर योर बैंक ब्रांच नेम आप वो एंटर करके सबमिट करें तो आपका जो है डाटा जो है वो सबमिट हो जाएगा जैसे ही वो सबमिट होगा आपने गो टू फाइनल करना है और फाइनल करके आपने यहाँ सारा एक दफ़ा दोबारा पढ़ लेना है कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है आया इसके अंदर मिस्टेक नहीं है तो आप सबमिट करें वेरीफ़ाई करें और जैसे ही आपका डाटा सबमिट हो गया अब आपको एंट्री टेस्ट के लिए रोल नंबर स्लिप आ जाएगी बाकी अगर कोई भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो आप हमारे एडमिशन काउंसलर से रब्ता कर सकते हैं दे आर ट्वेंटी फोर सेवन अवेलेबल बाकी थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़